हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो जनवरी से नवंबर 2016 के बीच का है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आने वाला एग्ज़ाम है छत्तीसगढ़ के सीजी व्यापम का पटवारी और आरआई के लिए, तो इसे देखते रहिए। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले छत्तीसगढ़ स्टेट का। छत्तीसगढ़ स्टेट मध्य भारत में है, जो दसवां सबसे बड़ा राज्य है और जिसका एरिया 13,05,194 वर्ग किलोमीटर है और जिसकी जनसंख्या 25.5 मिलियन है। 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख। छत्तीसगढ़ 16th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है भारत का, यानी कि 16 सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और यह इलेक्ट्रिसिटी विद्युत और स्टील का बहुत ही बड़ा सोर्स है। जितना स्टील उत्पादन होता है पूरे भारत में, उसका 15% केवल छत्तीसगढ़ से ही उत्पादन होता है। इसका कैपिटल है छत्तीसगढ़ का रायपुर। ये फिलहाल अभी है, लेकिन ये जल्द ही नया रायपुर होने वाला है। बर्ड है हिल मैना, पहाड़ी मैना, और ट्री है राष्ट्रीय वृक्ष है साल, सॉरी राष्ट्रीय वृक्ष नहीं राज्य राजकीय वृक्ष है साल, राजकीय पशु है वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंसा या वन भैंसा। और इसके प्रेजेंटली अभी जो सीएम है वो डॉक्टर रमन सिंह है, जो बीजेपी पार्टी के हैं, और जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर है, वो है बलराम दास टंडन। गवर्नमेंट अप्रूव्स इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर इन रायपुर। गवर्नमेंट ने, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के लिए अप्रूवल दे दिया है। क्लस्टर क्या होता है? ये एक प्रकार का समूह होता है जो एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर मतलब इलेक्ट्रॉनिक का बाजार का एक समूह होगा जो रायपुर में इकट्ठे होकर उत्पादन करेंगे। ये पांचवा है ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ग्रीनफील्ड क्लस्टर है ये जो रायपुर में स्थापित होगा, जिसकी लागत जो है वो 89 करोड़ होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका 43.07 करोड़ यानी कि 43.07 करोड़ रुपए देगा, जिसमें मोबाइल फ़ोन और सोलर एलईडी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक यानी कि टीवी फ्रिज वगैरह का उत्पादन होगा। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डीटी ने नोड यानी कि हामी भर दी है 17 ग्रीन फील्ड ईएमसी। ईएमसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए, जो 2 मध्य प्रदेश में होगा, 1 राजस्थान में और 1 झारखंड में। एक ब्राउन फील्ड ईएमसी भी है जो कि लोकेटेड होगी वो मैसूर में, और 3 और ब्राउन फील्ड ईएमसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगी। यहाँ ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड ये 2 शब्द आया है। तो ग्रीन फील्ड मतलब जो लैंड होती है वो पहले से किसी भी और कंपनी या किसी भी उद्योग के लिए यूज नहीं होती है, वो ग्रीन होती है, और जो ब्राउन फील्ड होती है वो पहले से जो जगह है, ज़मीन है, वो पहले से यूज़ की जा चुकी होती है। तो ये दोनों फर्क है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में। 20वां राष्ट्रीय युवा उत्सव नया रायपुर में इस बार हुआ था, जो छत्तीसगढ़ में है ऑब्वियसली। इसका थीम था इंडिया यूथ फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड हारमोनी, जिसे ऑर्गेनाइज किया था
छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट और नेहरू युवा केंद्र संगठन और नेशनल सर्विस स्कीम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NSS भी कहते हैं। इसका मैस्कॉट मतलब शुभंकर या प्रतीक था, वो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वाइल्ड बफेलो यानी कि वन भैंसा था। और इन फेमस डांसिंग पोज ऑफ बस्टर ट्रेवल इट हैज बीन नेम्ड अ संगी, संगी यानी कि दोस्त फ्रेंड। जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव होता है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी के लिए मनाया जाता है, उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो इस बार हुआ था विश्व राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसके चीफ गेस्ट थे नितिन गडकरी और ये एक हफ्ते का फेस्टिवल होता है। एक्चुअल में इसे नेशनल यूथ वीक के नाम से जाना जाता है। इस बार जो छत्तीसगढ़ में हुआ था यूथ वीक, वो 12 से 16 जनवरी मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। इसे हर साल मनाया जाता है, जो 1995 से इसे मनाया जाता है और जो ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स होती है। ये 20वां संस्करण था और 21वां जो संस्करण है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होगा। 21वां होगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और 19वां जो हो चुका है पिछले साल 2015 में वो हुआ गुवाहाटी आसाम में। DBT स्कीम फॉर केरोसिन फ्रॉम अप्रैल 1, 2016, 1 अप्रैल 2016 से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT जो है वो केरोसिन के लिए वो लागू कर दी गई है। और ये जो है ये पूरे भारत के 8 राज्यों के 26 जिलों में शुरू कर दी गई है। जो 8 राज्य हैं वो है छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान। इसमें जो स्टेट होगा वो देगा सब्सिडी का 75% पहले दो साल और थर्ड ईयर तीसरे साल 50% और फोर्थ ईयर 25%। छत्तीसगढ़ साइन किया है MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उदय के लिए। उदय का मतलब है उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। तो यहाँ डिस्कॉम का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ एंड CSPDL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये तीनों ने कॉमनली साइन किया है। ये किस लिए किया है, इसे साइन करने का जो कारण है वो है कि जो बिजली है, विद्युत है, वो गांव-गांव तक पहुँचे और इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए, विद्युत लागत को कम करने के लिए और जो गांव में है वो बिजली पहुँचे। तो इसका जो उद्घाटन या अनाउंस किया था हमारे जो कोयला मंत्री है पीयूष गोयल उन्होंने। और इसमें टोटल 17 अभी तक राज्य है जिन्होंने ये साइन किया है MOU और 17वां जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र और जो फर्स्ट स्टेट जो साइन किया था वो था झारखंड। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट टू फॉर्म अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी विथ रेलवे। रेलवे के साथ छत्तीसगढ़ ने एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी स्थापित की है जो छत्तीसगढ़ में जो रेलवे का नेटवर्क है उसका डेवलपमेंट और एक्सटेंशन करने के लिए। द स्टेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एंड द रेलवे मिनिस्ट्री साइंड द MOU फॉर द प्रोजेक्ट। जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है और रेलवे मिनिस्ट्री है इन्होंने
साइन किया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 51% शेयर है उसका इस एमओयू में, और बाकी का 49% वो रेलवे का शेयर है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्चेस उद्यम आकांक्षा स्कीम टू प्रमोट एसएमईज। एसएमई मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ये स्कीम रमन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर प्रमोटिंग, प्रमोट करने के लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, जिसे एमएसएमई भी कहते हैं राज्य के लिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रमोट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया, उसी की तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लॉन्च किया उदय आकांक्षा स्कीम। इसके बारे में थोड़ा जानकारी, उदय आकांक्षा स्कीम जो है वो फैसिलेट करेगा फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन। सेल्फ सर्टिफिकेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के समय कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना पड़ेगा। द इन्वेस्टर्स कैन इनरोल देमसेल्फ ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट विच विल बी बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोसेस। सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोसेस होगा और इसका नोटिफिकेशन आया था 6 फरवरी को, 6th of February। एक 110 जो गांव है छत्तीसगढ़ का वो शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। अभी तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो टॉयलेट बनाए जा रहे थे गांव में, उसके अंतर्गत राज्य में 1849 विलेज खुले में शौच मुक्त घोषित किए जा चुके हैं और ग्राम पंचायत 110 हैं अभी जो खुले में शौच मुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ डिसबर्सेस 1800 डेट इज 1008 करोड़ फॉर मुद्रा। मुद्रा यानी कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था उसके लिए डिसबर्स यानी कि दिए हैं 1800 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसके जो फ्लैश पॉइंट है वो बता दूं मैं, छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है वो इसे क्यों दे रहे हैं, जो स्मॉल मीडियम और इंटरप्राइज वाले होते हैं उन्हें लोन दिया जाता है इसमें, जिसकी जो ब्याज की जो अदायगी देनी होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप महीनों में किस्तों के रूप में दे सकते हैं। ये जो मुद्रा स्कीम है वो लॉन्च की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। मेनली जो मुद्रा स्कीम है उसमें 3 कैटेगरी है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के अंतर्गत आपको 50,000 रुपये तक लोन दिया जाता है, किशोर के अंतर्गत आपको 50,000 से 5 लाख रुपये और तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपये। छत्तीसगढ़ में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है और इसके साथ ही जो नोटिफिकेशन आया था उसमें त्रिपुरा और राजस्थान में भी नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है। तो जो छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस बने हैं वो दीपक कुमार गुप्ता हैं, जो अपॉइंटेड कोर्ट है छत्तीसगढ़, और कहाँ से ट्रांसफ़र होकर आए हैं वो त्रिपुरा हाई कोर्ट के जज थे जो छत्तीसगढ़ में चीफ जस्टिस बनकर आए हैं। कौन बनकर आए हैं? दीपक कुमार गुप्ता, ये आपको याद रखना है। ये जो और है इन्हें आपको याद नहीं रखना है। तो जो राष्ट्रपति हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI और गवर्नर ऑफ स्टेट की सहमति से ही अपॉइंट करते हैं, जो स्टेट के चीफ जस्टिस रहते हैं हाई कोर्ट के उनको। और जो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? उसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 124 आर्टिकल 124
124 आर्टिकल 124 के अंतर्गत किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल कोर्ट एंड कमर्शियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर इनॉग्रेटेड इन छत्तीसगढ़, भारत का पहला वाणिज्यिक विवाद समाधान केंद्र एवं वाणिज्यिक न्यायालय ये खोला गया है छत्तीसगढ़ में, भारत का पहला है ये, जो इनॉग्रेट किया गया था, उद्घाटन किया गया था हमारे राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा, और ये कब किया गया था, ये किया गया था सेकेंड जुलाई को। सो जो वाणिज्यिक जो विवाद होते हैं उसके लिए अभी तक कोई भी कोर्ट नहीं था, इन्हें जो हमारे जो कोर्ट है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उन्हीं को निपटाना पड़ता था, वही ये केस देखते थे, तो इसके लिए एक सेपरेट जो कोर्ट है वो स्थापना की गई है छत्तीसगढ़ में, जो नया रायपुर में बनेगा। इसमें जो बहुत ही सारी सुविधा दी गई है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ई कोर्ट है, ई लाइब्रेरी है, ई फाइलिंग है और ई समन है, ई समन भी है, और एक आर्बिट्रेशन सेंटर भी है जो मध्यस्थता केंद्र, आर्बिट्रेशन सेंटर यानी कि मध्यस्थता केंद्र की आप मध्यस्थता कर सकते हैं, और एक मेडिएशन सेंटर। एचआरडी मिनिस्टर जो है हमारे कौन, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने इनॉग्रेट्स यानी कि उद्घाटन किया आईआईटी रायपुर का। इन्होंने कब उद्घाटन किया, ये उद्घाटन किया 7 अगस्त को प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा रायपुर में छत्तीसगढ़ में। ठीक, जो राज्य का पहला आईआईटी था वो आईआईटी भिलाई था, और छत्तीसगढ़ का फर्स्ट था, और भारत का 23वां था, 23rd इन इंडिया, जिसकी जो किसके देखरेख में था, वो आईआईटी हैदराबाद की देखरेख में था, मेंटर्ड में था। इसमें जो ब्रांच है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और माइन इंजीनियरिंग कोर्स जो है वो लॉन्च होगा 2018-19 से। भेल कमीशन, भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो बहुत ही अग्रणी कंपनी है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट रहते हैं उसका उत्पादन करने में, भेल एक महारत्न कंपनी है, टोटल 7 महारत्न कंपनी है अभी भारत में। भेल कमीशन 500 मेगावाट मारवा थर्मल पावर स्टेशन इन छत्तीसगढ़। मारवा कहाँ है, मारवा है जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में। ये 500 मेगावाट के थर्मल पावर यूनिट मारवा पावर स्टेशन में स्थापित की गई है। ये सेकेंड यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट है वो भी 500 मेगावाट की स्थापित की गई थी। 500 मेगावाट की जो फर्स्ट यूनिट थी वो स्थापित की गई थी मार्च 2016 में, और जो सेकेंड यूनिट है वो स्थापित की गई अगस्त 2016 में। एग्रीकल्चर म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये अपने तरह का एक ही जो है म्यूजियम जो किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ये केवल एक ही विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ में कृषि के लिए। इनॉग्रेशन जो सेरेमनी है उसमें बलराम दास जी टंडन थे हमारे जो गवर्नर है वो, और जो यूनियन जो केंद्र की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है कृषि मंत्री है राधा मोहन सिंह वो पधारे हुए थे, और रमन सिंह डेफिनेटली ये तो रहेंगे ही, और स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ब्रिज मोहन अग्रवाल जी वो भी पार्टिसिपेट किए इनॉग्रेशन सेरेमनी में, उद्घाटन में। इसका सेटअप करने के जो कॉस्ट पड़ा, जो म्यूजियम स्थापित करने का कॉस्ट है वो लगभग 4,92,00,000 रुपये है। ये क्यों स्थापित किया गया, ये स्थापित किया गया स्पेशल एग्रीकल्चर टेक्निक और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। यहाँ 12 टच स्क्रीन इंस्टॉल किए गए हैं म्यूजियम में,
जो इन्फॉर्मेशन देंगे क्लाइमेट कंडीशन, मौसम संबंधी जानकारी, सॉइल क्वालिटी, जो मृदा होती है उसकी क्वालिटी के बारे में, गुणवत्ता के बारे में, रेनफॉल कितनी वर्षा होगी, वेरिएशन कहाँ कितनी भिन्नता होगी वर्षा में उसके बारे में। और एक मोबाइल एप्लीकेशन क्रॉप डॉक्टर भी लॉन्च किया जाएगा इस ओकेशन में। और एक एग्रीकल्चर साइंस सेंटर रायपुर में भी लॉन्च किया गया। छत्तीसगढ़ सीएम लॉन्चेड स्टार्टअप छत्तीसगढ़ स्कीम। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जो राष्ट्रीय स्टार्टअप स्कीम है मोदी जी द्वारा जो लॉन्च किया गया है उसी की तर्ज पर स्टार्टअप छत्तीसगढ़ स्कीम ये लॉन्च किया गया है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप startupcg.com पे जा सकते हैं। इसमें जो फैसिलिटी दी गई है वो लगभग सेम ही है जो भारत सरकार द्वारा जो स्टार्टअप छत्तीसगढ़ स्टार्टअप जो स्कीम है उसके लगभग सेम ही है। इसमें जो नंबर ऑफ शॉप्स है, शॉप्स मतलब रियायतें जो दी जाएगी और टैक्स एक्सेम्पशन, टैक्स में छूट भी दी जाएगी जिससे अट्रैक्ट हो इंटरप्रीनियर एंड इन्वेस्टर टू द स्टेट छत्तीसगढ़ में। जो इंटरप्रीनियर है, जो उद्यमी है और जो इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, वो आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया वेबसाइट है www.startupcg.com। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इंक्ड लिंक होगा लिंक्ड एमओयू विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू बूस्ट रीजनल एयर कनेक्टिविटी। जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, संघ सूची में आता है, उसके साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने एमओयू साइन किया है कि छत्तीसगढ़ के जो मेजर शहर हैं जैसे बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर, उसमें भी एयर कनेक्टिविटी बढ़े। अभी तक केवल रायपुर में ही एयर कनेक्टिविटी है छत्तीसगढ़ में पूरे, तो इसके लिए भी हमारे रमन सिंह जी ने कदम उठाया है। जो एमओयू साइन किया गया वो साइन किया गया 9 सितंबर 2016 को, ये एमओयू साइन किया गया है। और इसमें जो कनेक्ट होगा जो शहर वो है जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और बिलासपुर, जो रायपुर के थ्रू कनेक्ट होगा। रीजनल न्यूज यूनिट्स फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR वाज ऑफिशियली रिलीज्ड बाय रमन सिंह। न्यूज ऑन AIR ये है रेडियो, जो न्यूज आता है उसका वेबसाइट। तो छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल एक फेसबुक पेज बनाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, और ये रिलीज किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रमन सिंह जी के द्वारा। ये क्यों किया गया है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार के जो क्या क्या हो रही है सोशल लाइफ में और फोटोग्राफ्स, वीडियोस, वो सब दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ में क्या क्या हलचले हो रही है उसके लिए, और इसमें डेली रीजनल जो न्यूज़ होगा छत्तीसगढ़ी में वो भी प्रसारित किया जाएगा, वो भी इसमें पोस्ट किया जाएगा फेसबुक पेज में। प्रोटीन इनरिच्ड राइस वेराइटी डेवलप्ड बाई IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जहाँ म्यूजियम स्थापित की गई अपने तरह की पहली, वहाँ प्रोटीन इनरिच्ड राइस वेराइटी डेवलप की गई है यहाँ के छात्रों द्वारा। अ प्रोटीन इनरिच्ड राइस वेराइटी हैज़ बीन डेवलप्ड बाई द इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हियर एंड रिसर्चर्स होप, रिसर्चर के द्वारा और छात्रों का भी सहयोग था इसमें। जो माल नरिश्ड जो पॉपुलेशन है, माल नरिश्ड मतलब जिनको न्यूट्रिशियंट होते हैं, जो न्यूट्रिशियंट उनकी कमी होती है उनके लिए, स्पेशली चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं उनको अच्छी खाने पीने की नहीं मिल पाती, और स्पेशली जो ट्राइबल डोमिनेटेड छत्तीसगढ़ है
जो आदिवासी बहुल इलाका है उसमें। तो इसमें खासियत क्या है, जो नया जो डेवलप है, डेवलप डिवाइस है वैरायटी, उसमें जो 10% से ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट है, प्रोटीन है इसमें 10% से ज़्यादा, जो और जो चावल होती है उनमें से 3% मोर देन वाट इज फाउंड इन एनी पॉपुलर वैरायटी, और 30 parts per million जिंक कंटेंट है। जिंक का काम क्या होता है, जिंक का काम क्या होता है, बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसको प्रॉपरली वर्क करे, जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको ठीक से काम करने के लिए जिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट है, और कोल्ड सिक या ठंड के दिनों में जो सर्दी लग जाती है उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि जिंक की कमी हो तो जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो ठीक से काम नहीं करेगी। ई ऑक्शन ऑफ माइनर मिनरल माइंस इन छत्तीसगढ़, जो माइनर मिनरल माइंस है उसके लिए पहली बार किसी भी राज्य के द्वारा ई ऑक्शन किया गया है। जो माइनर, अब माइनर क्यों बोला जा रहा है इसको, माइनर और मेजर दो टाइप के मिनरल्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 1957 में। जो माइनर मिनरल्स होते हैं उसमें बिल्डिंग स्टोन्स, बिल्डिंग स्टोन्स, ग्रेवल्स, ऑर्डिनरी क्ले, ऑर्डिनरी सैंड, ये सब होते हैं माइनर मिनरल्स। और जो मेजर मिनरल्स होते हैं वो है लिग्नाइट, कोयला, यूरेनियम, आयरन ओर और सोना। सो, ये अपने तरह का पहला ई ऑक्शन था माइनर मिनरल माइंस के लिए। अभी तक केवल मेजर मिनरल माइंस के लिए ही ई ऑक्शन किया जाता था। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा और किसी भी राज्य द्वारा ये पहले अपने तरह का ई ऑक्शन किया गया है माइनर मिनरल्स के द्वारा, मिनरल्स के लिए ऑक्शन। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्चेज सौर सुजाला इन छत्तीसगढ़। अभी जो 16th फाउंडेशन डे मनाया गया, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर 2016 में, उसमें हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, वो आए थे छत्तीसगढ़। तो उन्होंने लॉन्च किया यहाँ सौर सुजाला योजना, क्यों, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सोलर पावर्ड इरीगेशन पम्प, जो सिंचाई का पंप होता है उसको देने के लिए फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड रेट में, यानी कि सब्सिडी दी जाएगी, जो रेट मार्केट में मिलती है उससे कम में दी जाएगी। और इन्होंने और क्या इनॉग्रेट किया, क्या उद्घाटन किया उसका, जंगल सफारी और स्टेचू ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और नया रायपुर BRTS प्रोजेक्ट। BRTS का मतलब है बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो रायपुर और नया रायपुर को कनेक्ट करेगा बस के द्वारा। छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य हो गया, फर्स्ट स्टेट, जो इम्प्लीमेंट करेगा सौर सुजाला योजना। इस स्कीम के अंतर्गत सोलर पावर्ड, सोलर से चलने वाली सोलर फोटो पीवी सेल्स लगी होगी इरिगेशन पंप्स में, जो 3 HP और 5 HP की क्षमता की होगी। 3 HP की जो क्षमता की होगी वो 3.5 लाख रुपए तक की लागत की, पूरे जो जितना भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उन सब की लागत होगी 3.5 लाख रुपए 3 HP की पंप की, और 5 HP की पंप की लागत होगी 4.5 लाख रुपए, जिन्हें जो 31 मार्च 2019 तक दे दिया जाएगा सभी किसानों को। और जैसे अभी मैंने बताया कि जंगल सफारी भी इनॉग्रेट किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, तो ये एशिया का लार्जेस्ट मैन मेड जंगल सफारी है, मैन मेड फर्स्ट एशियास लार्जेस्ट मैन मेड जंगल सफारी, जो जिसका एरिया है 800 एकड़, नंदनवन जू कहा किया है नया रायपुर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट रिजोल्यूशन सपोर्टिंग डीमोनिटाइजेशन मूव,
जो 8 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश देकर जो डीमोनेटाइजेशन शुरू की थी 500 और 1000 के नोटों की, उसके लिए इसके सपोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार ने, ये पहले ऐसा राज्य है जो एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है, रिजोल्यूशन मतलब संकल्प अडॉप्ट किया है टू सपोर्ट द डीमोनेटाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें क्या किया गया है, जो वैट होगा वैल्यू एडेड टैक्स ई ट्रांजैक्शंस पर, कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन पर या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर, उसमें वैल्यू एडेड टैक्स वैट जो है वो एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड मतलब उसको नील कर दिया गया है और अब जो वैट है वो चार्ज नहीं होगा। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी जो फार्मर्स है उनको पूरे नहीं दिया जाएगा, उनको ई पेमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और ये मेन है छत्तीसगढ़ का बजट 2016 से 17 तक, इसका मुख्य बात है ये, आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो मैं कुछ जो पॉइंट है वो भी बता देता हूँ। सूखा प्रभावित जो किसान हैं, जो जैसे कि आपको पता है पिछले साल जितना एक्सपेक्टेड था रेनफॉल वो नहीं आ पाया था, वो पूरा नहीं हो पाया था। तो इसके लिए जो सूखा प्रभावित किसान हैं उसके लिए 223 करोड़ का आवंटन किया गया है, बीज अनुदान के लिए 150 करोड़ जिसमें 7 लाख किसान प्रभावित होंगे, और सिंचाई के लिए 2574 करोड़ रुपए, और एक कृषि कॉलेज के लिए 12 करोड़ दिया गया है, CM कन्यादान योजना के लिए 5 करोड़ रुपए, जगदलपुर और मुंगेली में खेल परिसर बनेगा, सुकमा बीजापुर में एजुकेशन सिटी के रूप में उसको डेवलप किया जाएगा, फसल बीमा की जो राशि है उसको 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जैविक खेती को बढ़ाकर 20 करोड़ की राशि किया गया है, जैविक खेती जिसमें कुछ भी जो साइड होता है, जो नाशक होता है, कीटनाशक दवाइयाँ उसका यूज़ नहीं की जाती है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है, भारत का पहला ऐसा राज्य है जो जैविक खेती को अपनाया है, ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया जा चुका है, सिक्किम जैविक खेती के लिए 100% जैविक खेती करता है। सिंचाई विस्तार के लिए 2564 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 7.6% रहने का अनुमान है, ये केवल अनुमान है। जगदलपुर में 100 बिस्तर का एक हॉस्पिटल खोला जाएगा, बस्तर सरगुजा में भी जिला अस्पताल बनेगा, विशेष जनजातियों का 100% स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा जहां फ्री में, और जगदलपुर में हवाई अड्डा है उसका विकास के लिए 23 करोड़ रुपए का दिया गया है, बस्तर व सरगुजा विश्वविद्यालय भवन के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, प्रधानमंत्री सड़क के लिए 1062 करोड़ रुपए, सड़क निर्माण के लिए 6101 करोड़ रुपए, 23,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को राहत दी गई है, जो रेल लाइन का विस्तार किया जाएगा, 55 करोड़ अंश पूंजी, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ इन्होंने MOU साइन किया है, सुकमा में परिवहन कार्यालय स्थापित किया जाएगा, परिवहन कार्यालय यानी कि RTO रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। सूखा प्रभावित जो किसानों की बेटियों की शादी के लिए 8 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, CM कन्यादान योजना के लिए 5 करोड़ आवंटित किया गया है, 480 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन का विस्तार होगा, 60 लाख परिवारों को सस्ता खाद्यान्न के लिए 3,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो खाद्य सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा कानून अनिवार्य तरीके से लागू किया है, स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए
30,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की घोषणा की गई है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है उसके लिए। मिड डे मील जो मध्यान्ह भोजन है, जो स्कूलों में जो बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिया जाता है उसके लिए 642 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रायपुर एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए 126 करोड़ का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री अमृत योजना शुरू की जाएगी। शौचालय के लिए 100 करोड़, इसमें शौचालय बनाया जाएगा 100 करोड़ रुपए का सार्वजनिक शौचालय। गर्भवती महिलाओं के पोषक के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सीएम स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि बढ़ाई गई है, जैसा बताया कि ये 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है। ये वही है स्वास्थ्य बीमा योजना 30,000 से बढ़ाकर 50,000, ये फिर रिपीट हो गया शायद। नक्सल समस्या जो है उसके लिए 4 नई बटालियन का गठन किया गया है, जिसमें 4,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। जैविक प्रमाणीकरण सर्टिफिकेशन के लिए एक संस्थान स्थापित किया जाएगा। पत्रकारों के लिए अतिरिक्त 20,000 का स्वास्थ्य बीमा होगा। स्कूल शिक्षा के लिए 11 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, इसमें स्कूल भी खोले जाएंगे और स्कूल को डेवलप भी किया जाएगा। 8 नए IIT का प्रावधान है। कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क बनेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30,000 का अतिरिक्त बीमा होगा। नए गांव में बिजली के लिए 541 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 5 आदर्श आवासीय महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सबके लिए आवास हेतु 400 करोड़ का प्रावधान है। रायपुर में सीवरेज की समस्या जो है, जो सीवरेज है, जो नाला है, वो भर जाता है, सड़कों पे आ जाता है पानी, उसकी समस्या के लिए 225 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें सीवरेज को तंदुरुस्त किया जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक वीडियो था। अब अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने का एक बेनिफिट यह है कि जो भी मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे तुरंत ही देख सकते हैं। ठीक, तो ये लर्निंग हब यूट्यूब चैनल है। मैं साइनिंग ऑफ।